हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पान आइसक्रीम बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट में, बिना कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज किए। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम, 3-4 पान के पत्ते, फिर 1/4 कप शुगर, 1/4 कप कंडेंस मिल्क, फिर 2 टेबलस्पून टूटी फूटी, 1 टेबलस्पून गुलकंद, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर या कोकोनट फ्लेक्स, सौंफ, 1 टेबलस्पून ग्रीन कलर। अगर आपके पास पान के पत्ते नहीं है तो रेडीमेड मीठा पान भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको लाकर मार्केट से क्रश करिए। पहले हम लोग दूध और कॉर्नफ्लावर को पहले मिक्स करेंगे शुगर को। अगर आपको गुलकंद का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून कर लें, लेकिन गुलकंद बहुत मीठा होता है तो आपको चीनी को कम करना पड़ेगा। तब यहाँ से 2 टेबलस्पून कर दें बस। जब आपका सब मिक्स हो जाए तब आप इस बर्तन को पैन पे रखें और उसे स्टर करें और एक बॉईल तक लाएं। देखिए जैसे ही सब अच्छे से बॉईल हो जाए यहाँ पर, और स्टर करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, तो ये नीचे से लग जाएगा। बस ये मेरा बॉईल हो गया है। जब आपका मिल्क इस स्टेज पे आए तो आप गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसको फ्रिज में ठंडा नहीं करना है, इसको रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करना है। बस यहाँ पे हो गया। जब आपका ऐसा बॉयल आए आप गैस बंद कर दें। अब हम लोग क्रीम की तरफ जाएंगे। अब हम लोग को क्रीम को जब आप बीट करेंगे तो ये नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। पहले आपको लो स्पीड में ही करना है, आप स्टार्टिंग में हाई स्पीड में नहीं कर सकते। आपको लो स्पीड में करना है, 2-3 मिनट धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाना है। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे क्रीम की कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। अगर आपको अमूल का बनाना है तो उसको पहले आप फ्रीजर में रखिएगा, और आपका बाउल, इनफैक्ट आपको एक आइस, नीचे एक बाउल में आइस रखना होगा, उसके बाद दूसरा बाउल रख के व्हिप करना होगा। अब देख रहे हैं आप ये व्हिपिंग करते करते क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसे चेंज हो रही है जब इस स्टेज में आए। तो आपका समझिए क्रीम हो गया। इसको बोलते हैं सॉफ्ट पीक। यहाँ तक कि अगर आप बाउल भी उल्टा करेंगे तो ये आपका नहीं गिरेगा। बस अब हम लोग कंडेंस मिल्क मिक्स करेंगे, और इंश्योर करिएगा जो दूध है वो भी ठंडा होना चाहिए। इसको अच्छे से आप मिक्स करिए, पहले स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स करिए, और लास्ट में एक बार ये ग्राइंडर चला देंगे, ब्लेंडर। उसके बाद हमने जो पान के पत्ते हैं वो सारा चॉप कर ले, गुलकंद ऐड कर ले, टूटी फूटी, सॉफ्ट को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर डाल दें, मेरे पास यही है, और मेरे पास पान एसेंस नहीं है। अगर आपके पास है तो उसको आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सारा इंग्रेडिएंट एक साथ नहीं डालना है क्योंकि वो नीचे सिंक हो जाता है। पहले हम लोग ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक कंटेनर में डालेंगे, और फिर ऊपर से जो बचा हुआ है ये कटिंग किया हुआ उसको डालेंगे, ताकि ये थोड़ा सा अंदर अंदर रहे, आपको हर बाइट में मिले। अगर आप इनिशियली डाल देंगे तो सिर्फ नीचे ही रह जाएगा, ऊपर में जो आप जब निकालेंगे तो कुछ नहीं, और एंड में थोड़ा सा ऊपर से सजा सकते हैं। आप चाहे तो 4-5 पत्ते भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये टूटी फूटी ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। बस इसको 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखें। और जब एक टिप है कि जब आप निकालते हैं थोड़ी देर बाहर रख दें। ये देखिए कितना क्रीमी है, कोई केमिकल नहीं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।